सुबह उधर से निकलते हैं इधर यहाँ पहुँचते हैं, शाम को फिर इधर से मगरब के वक्त इधर से निकलते हैं, जोहर असर इधर इकट्ठे पड़ते हैं, ये सब सफाई हो जाएगी। ये जितना बड़ा मैदान है आप देख रहे हैं, ये फुल हो जाएगा बिल्कुल आदमी से। ऐसे समझो तकरीबन 100 में से 60-70% लोग पैदल ही आते हैं, 30-40% मैं उधर से जाता हूँ अंदर आप ना, हमारे भाई साहब की बात है, देखो इतना नॉलेज हमारे पास नहीं है जितना इसकी पास है माशाल्लाह। हर जगह पे हमें हर जगह की जो है ना वो हिस्ट्री बता देते हैं। तो ये आप लोगों ने भाई की बातें सुन ली और अब ये हमें लेके जा रहे हैं अंदर अरफात के मैदान में। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ के बसेस गाड़ियाँ, जब हम इंटर होने लगे उस रोड पर आ गए अरफात के मैदान वाले रोड पर, पीले पीले बोर्ड सामने से आप लोगों को नज़र भी आएगा, इसके जो बोर्ड लगे हुए हैं अमेरिका भी हुए हैं मैदान अरफात के। टोटल मैदान भर जाता है, इतना भर जाता है आदमी बाहर रहते हैं। अच्छा, जगह नहीं होती अंदर जो इस मैदान अरफात हज भी स्टार्ट है। एक आदमी की जगह अंदर हो तो बाहर ना रहे, हज असल में इधर ही होता है, खुतबा इधर होता है हज का। अच्छा अच्छा, दो रकअत नमाज जैसे ईद पढ़ते हैं हज की, वो इधर ही होती है। अच्छा, ईद वाले दिन यहाँ पे होते हैं हाजी? हज वाले दिन हज और हज वाले दिन यहाँ पे आते हैं सारे हाजी, बिल्कुल इधर ही होते हैं। अच्छा, ये भाई यहाँ पर रेलवे स्टेशन है ऊपर, ये रेलवे की गाड़ियाँ आदमी को लेके आती है। हज का खुतबा इधर ही होता है ना अरफात? हाँ हाँ, इधर ही होता है, मेन रुकन यही है हज का, हज इधर से शुरू होता है, इधर ही हज होता है मैदान अरफात में। और मैदान महशर यानी कयामत के दिन इधर ही हिसाब किताब होगा, पूरी दुनिया इधर ही जमा होगी, काफिर हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदू जो भी है ना इधर ही होंगे, पूरी दुनिया का हिसाब किताब इधर ही होगा। ये वो मैदान है महशर के दिन, इधर जमा होगा, हज इधर ही होता है। ये जो गरीले वगैरह नज़र आ रही है ना सब लगे हुए, ये कैंप बना देंगे, कपड़ा लगा देंगे इसको, ये कैंप बन जाते हैं खैमे जैसे। क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो ये भाई हमें समझाएगा इस तरीके से और हर जगह जो है वो दिखाएगा। भाई साहब माशाल्लाह है भी हमारे पाकिस्तान से और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये हमें वो बताते भी हैं और साथ साथ में हमें वो जगह भी दिखा रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इसने गाइड कर दिया। वो टेंट नज़र आ रहा है यहाँ से काफ़ी, आप देख सकते हो काफ़ी हद तक बहुत आगे तक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जूम कर दिया मैंने, ये आप लोग देख सकते हैं सारे टेंट जो है ये मीना के टेंट है, ये यहाँ पे, और ये जो नीचे मस्जिद है मस्जिद खैफ है, मस्जिद खैफ ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मस्जिद है, ये मीना के एरिया है, ये पूरा काफ़ी आगे तक है जितने जो वो जो सामने मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा, ये जो गुंबद आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मैंने जूम कर लिया, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो चोरी पे रहे थे वो ज़बह करने के लिए, फिर जो दुम्बा है वो ज़बह हो गया, तो ये वो जगह है। ये अब हम मीना में खड़े हैं और यहाँ से मैं आप लोगों को जूम करके वो दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये वाला गुंबद, और ये आगे यहाँ पे ये जगह है।